friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 25th of June 2019. और discussion शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. तो first question is who among the following repealed the Vernacular Press Act? Lord Dufferin, Lord Ripon, Lord Curzon या फिर Lord Harding. Second question is गांधी सागर डैम इज पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? चंबल प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट या फिर भाकरा नंगल प्रोजेक्ट. थर्ड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर. ठीक है, तो ये हो गए तीन क्वेश्चन, आप लोग इनके आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर द डे. तो जो हमारी सबसे पहली न्यूज है That is related to lynching. ठीक है, तो lynching से related news है झारखंड में. And 6 persons have been arrested. 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ठीक है, and remember here one thing SIT special investigation team investigation has been made mandatory by the Supreme Court in every case of mob lynching. ठीक है, तो जो भी mob lynching का अगर कोई भी incident आता है तो उसमें Supreme Court ने mandatory किया है कि आपको special investigation team form करनी ही करनी पड़ेगी. ठीक है, अब ये मॉब लिंचिंग में हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग जीएस वन में देख सकते हैं अपने सोसाइटल प्रॉब्लम. तो ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है. व्हाई देयर इज सो मच मिसट्रस्ट इन द सोसाइटी, व्हाट कुड बी डन टू रीस्टोर द कम्युनल हार्मनी. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमको जीएस पेपर वन में देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो ये सोसाइटी में जो ट्रस्ट डिफिशियंट है या कि फिर कम्युनल हार्मनी क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है, उसके क्या क्या कारण है, इसको लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है. एंड इन जीएस फोर दिस कुड बी आस्क्ड एज अ केस स्टडी, व्हाट विल यू डू एज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ अ पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वेयर मॉब लिंचिंग हैज टेकन प्लेस. ठीक है, तो आप क्या करोगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप क्या कर सकते हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. तो ये हमारी पहली न्यूज हो गई लिंचिंग से रिलेटेड. अब जो सेकेंड न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू रेजिग्नेशन ऑफ आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य. ठीक है, तो जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार्य, ही हैज रिजाइंड फ्रॉम एज अ डिप्टी गवर्नर. एंड उनका जो टेन्यूअर था वो 6 महीने बाद खत्म होता, बट ही हैज रिजाइंड 6 months प्रायर टू एंड ऑफ हिज टेन्यूअर साइटिंग अनअवॉइडेबल पर्सनल रीजंस. ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं कि ये कब बना था और इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं. ठीक है, सो आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन April 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक है, तो ये कब बना था, 1 अप्रैल 1935 को जब ये इनिशियली बना था. देन इट्स हेडक्वार्टर वॉज इन कैलकाटा एंड बट इट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937. ठीक है, तो जब 1935 में बना तब हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में. उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया गया, मुंबई में. एंड अभी भी उसका आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे. एंड सेंट्रल ऑफिस इज द प्लेस वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड. एंड आरबीआई में एक गवर्नर होता है एंड इट कुड नॉट हैव मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स. तो ज्यादा से ज्यादा कितने डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं आरबीआई में, 4. इनिशियली इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड बट इट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949. तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में. ठीक है, एंड एट प्रेजेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है कि इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज इट रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स. ठीक है, तो जो बैंक नोट इशू होते हैं उसको कौन इशू करता है, वो आरबीआई इशू करता है. एंड इट ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया. ठीक है, तो जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, करेंसी रिजर्व्स हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, ये सब भी मेंटेन कौन करता है, आरबीआई. इसके अलावा इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो जो प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से रिलेटेड न्यूज, रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज. ठीक है, यहीं पे एक न्यूज और बन सकती है, जीएस थ्री में पूछा जा सकता है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि रेगुलेटरी बॉडीज में कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए या व्हाई देयर हैव बीन सो मच रेजिग्नेशंस फ्रॉम सो मेनी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस. इससे पहले आरबीआई के गवर्नर रिजाइन कर चुके हैं, आरबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने रिजाइन किया है एंड अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने किया है, तो इसको लेकर के पूछा जा सकता है. तो ये हमारी हो गई आज की दूसरी न्यूज. अब आगे बढ़ जाते हैं, आज की जो तीसरी न्यूज है डेट इज रिलेटेड टू आरसीईपी. आरसीईपी का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये आरसीईपी का फुल फॉर्म है। एंड यहाँ पे जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक टेलीविजन को चैनल को इंटरव्यू दिया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहता है आरसीपी या इफ़ इंडिया इज पुटिंग सो मेनी ऑब्स्टेकल्स देन फॉर द टाइम बीइंग इंडिया कैन पुल आउट ऑफ आरसीपी एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज विल प्रोसीड। तो अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इंडिया बाहर हो जाए एंड बाकी की कंट्रीज जो है वो आरसीपी में पार्टिसिपेट कर लेंगी। अब हुआ क्या है, आरसीपी में इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन करना कर पा रहा है या क्या इश्यूज हैं? तो सबसे पहला इशू है कि इंडिया चाहता है कि सर्विसेज को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लिया जाए, लेकिन मेनी कंट्रीज आर नॉट रेडी फॉर टेकिंग सर्विसेज इनटू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसको लेकर के है। एंड गुड्स को लेकर के बहुत सारी कंट्रीज रेडी हैं कि दे शुड बी पार्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट इंडिया इज नॉट रेडी, ठीक है, तो इसको लेकर के थोड़ा एक टसल चल रहा है। आरसीईपी क्या है, इट वॉज फर्स्ट फॉर थॉट अबाउट इन 2012 आसियान समिट, तो जो 2012 का आसियान समिट हुआ था उसमें पहली बार रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में सोचा गया था। इट्स फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस इन 2017। इसके मेंबर्स कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग, तो जो 10 आसियान कंट्रीज हैं प्लस 6 कंट्रीज दैट इज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं, आसियान की 10 कंट्रीज प्लस 6 कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ठीक है, तो ये आरसीईपी के मेंबर्स हैं, इट है 16 मेंबर्स, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग आरसीईपी से रिलेटेड न्यूज। अब आ जाइए आप लोग सीधे पेज नंबर 3 पे, यहां पे एक न्यूज है डेट इज फ्रॉम जेएनयू एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हैज अपोज्ड द प्रपोजल टू इंक्लूड कंपल्सरी हिंदी इन बीए एंड बीटेक। और उनका क्या कहना है, उन्होंने क्यों अपोज किया है कि जो एमएचआरडी से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से लेटर आया है, इन दैट दे हैव सेड दैट हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इट शुड बी मेड कंपलसरी इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे फैक्चुअल एरर है कि हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, हम लोग ध्यान रखेंगे हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तो आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला पार्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज पार्ट 17 एंड आर्टिकल 343 टू 351 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। एंड ये पूरा का पूरा जो लैंग्वेज वाला डिस्कशन है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से चल रहा है। इन दिस गवर्नमेंट हैज प्रपोज फॉर अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश प्लस 1 रीजनल लैंग्वेज शुड बी टॉट, ठीक है, तो उसको लेकर के पूरा का पूरा इशू चल रहा है। अब आगे आ जाइए आप लोग सीधे पेज नंबर 8 पे, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी यहाँ पे, सारी की सारी पॉलिटिकल और एडवर्टीजमेंट वाली न्यूज़ थी, सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द पेज नंबर 8। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि देयर आर मेनी प्रपोजल्स फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू वेरियस स्टेट्स फ्रॉम राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे हैं, बट सेंटर हैज सेड कि देयर इज नो, दे आर नॉट कंसिडरिंग एनी सच प्रपोजल, ठीक है, तो सेंटर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो नहीं देने वाला है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 बाय द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड रिमेंबर दैट दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैज नॉट बीन मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में, देर आर मेनी स्टेट्स विच आर नॉट सो मच डेवलप्ड, या कि फिर उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, दे डोंट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर देयर डेवलपमेंट, सो टू हेल्प दोज स्टेट्स इन कमिंग फॉरवर्ड एंड ज्वाइनिंग द नेशंस प्रोग्रेस, उसके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रोविजन किया गया था। इसको कौन ग्रांट करता था, रिमेंबर दैट कि द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वॉज ग्रांटेड बाई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, इसके लिए पैरामीटर्स क्या क्या कंसीडर किए जाते थे, सो फर्स्ट पैरामीटर वॉज लो रिसोर्स बेस, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, थर्ड वन वॉज बैकवर्डनेस, बॉर्डर स्टेट शेयरिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, एंड फिफ्थ वन इज द नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। एंड विच स्टेट्स आर कैटेगराइज्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, सो ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है, तो इन स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स में। एंड राइट नाउ आंध्र प्रदेश इज डिमांडिंग एंड इसके कारण से बहुत ये न्यूज में रहेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे।
अब आ जाते हैं जो हमारी एक और न्यूज़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, एंड ये आपके एनसीईआरटीज में भी मेंशनड है। सो रिमेंबर दैट नेहरू ट्रॉफी बोट रेस टेक्स प्लेस ऑन पुन्नामडा लेक इन केरला, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे होती है, किस लेक में होती है, पुन्नामडा लेक, ठीक। तो ये हो गई हमारे इससे रिलेटेड न्यूज़। नाउ अगेन हियर इज अ न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे कर्नाटका का एक विलेज है, हुलिकल विलेज, जहाँ पे वहाँ के जो दलित्स हैं, द दलित कम्युनिटी और द दलित फैमिलीज विच रिसाइड्स ओवर देयर, दे आर नॉट अलाउड टू टेक द हेयर कट फ्रॉम द बार्बर लोकेटेड इन दैट विलेज, ठीक है। तो उस गांव का जो बार्बर है उससे उनको हेयर कट लेना अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड हम बात कर रहे हैं 2019 के इंडिया की, एंड अब कास्ट सिस्टम के ऊपर जितना भी बोला जाता है कि कास्ट सिस्टम एबॉलिश हो चुका है या खत्म हो चुका है, कास्ट सिस्टम का कोई रोल नहीं रह गया, तो हम लोग देख सकते हैं कि अभी भी ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां पे कास्ट सिस्टम इज अगेन प्लेइंग द रोल ऑफ अनटचेबिलिटी, कि वहां पे अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पे जीएस 1 से क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज इशू ऑफ अनटचेबिलिटी, कि वाई कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इंडियन सोसाइटी कमेंट, अगर कमेंट लिखा होता है आपके किसी क्वेश्चन में तो आपको उसके दोनों पॉजिटिव्स और निगेटिव्स भी हाईलाइट करते हुए उस आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कास्ट सिस्टम से रिलेटेड अनदर एग्जाम्पल। इन सारे एग्जाम्पल्स को हम लोगों को ध्यान रखना है, एंड अगर इलस्ट्रेशन करके लिखा होता है किसी क्वेश्चन में कि इलस्ट्रेट, देन यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। या फिर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं एंड वहां पे आपसे कास्ट सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, देन यू कैन हाईलाइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो नेक्स्ट पेज पे न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो ये पिछले कई दिनों से न्यूज में चल रहा है, और क्यों न्यूज में है, बिकॉज मोर देन 100 चिल्ड्रन इन मुजफ्फरपुर हैड डाइड बिकॉज ऑफ एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई है इन विच दे हैव सेड दैट कि अगर प्रॉपर अवेयरनेस किया जाता, इफ देयर वॉज प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन, देन दीज डेथ्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। एंड यहाँ पे मुजफ्फरपुर से रिलेटेड एक और न्यूज थी डेथ से रिलेटेड, कि डेथ वॉज मेनली कॉज्ड बाई ईटिंग लीची। सो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज सेड दैट कि अपार्ट फ्रॉम लीची, द प्रिवेलिंग हीट एंड ह्यूमिडिटी टुगेदर विथ मैल न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू द डेथ्स, ठीक है। तो जो मेजर कारण था वो हो सकता है लीची हो, लेकिन जो हीट वेव्स एंड अदर फैक्टर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। तो ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है। तो यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप लोग अपना जीएस 4 में कोई भी सजेशन दें कि अगर ऐसी कोई हेल्थ क्राइसिस आपके डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है या आप वहां पे पोस्टेड हैं, तो आप क्या करेंगे, सो डू हाईलाइट अबाउट द अवेयरनेस कैंपेन। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। इट इज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड एज एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड अ चेंज इन मेंटल स्टेटस। तो इसमें बहुत तेज बुखार आता है, एंड देर इज अ सडन चेंज इन मेंटल स्टेटस, मेंटल कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन माइट टेक प्लेस, एंड ये डिसीज ज्यादातर किसको इफेक्ट करती है, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, ठीक है। एंड इट कॉजेज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इसका मेन कॉजेटिव एजेंट कौन है एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम का, क्या है, इट इज वायरस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑल दो देर आर अदर लाइक बैक्टीरिया, फंगस कैन ऑल्सो कॉज दिस एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, बट द मेजर रीजन इज वायरस। एंड नीपा वायरस एंड जीका वायरस आर ऑल्सो फाउंड एज कॉजेटिव एजेंट फॉर एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। एंड ये नॉर्थन एंड ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। उसका कारण है कि बिकॉज मेनी चिल्ड्रन ईट अनराइप लीची फ्रूट ऑन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। एंड अनराइप लीची फ्रूट कंटेन्स द टॉक्सिन्स हाइपोग्लाइसिन ए एंड मिथाइलिन साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन विच कॉज वोमिटिंग इफ इंजेस्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। अब हाइपोग्लाइसिन ए जो है वो डेट इज नॉट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड इन द अनराइपन लीची डेट कॉजेज सीवियर वोमिटिंग, वाइल मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन इज अ पॉइजनस कंपाउंड फाउंड इन लीची सीड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में। अब यहाँ से जो हमारे लिए मेंस में क्वेश्चन बन सकता है वो दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला कि व्हाट कुड बी डन टू इंप्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट कुड बी डन टू इंप्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो हो सकता है यूपीएससी सिर्फ इसी एक डायरेक्शन में ना जाए, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। एंड जो इससे जुड़ी एक स्कीम आई है अभी, प्रधानमंत्री आयुष भारत योजना,
फॉर द हेल्थ सेक्टर वो कितनी इफेक्टिव होगी, हाउ इफेक्टिव इट विल बी. सो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड ऑन दीज थ्री टॉपिक्स. ठीक है, तो जब भी आप लोग पेपर पढ़े उसको हमेशा अपने स्टैटिक, प्रीलिम्स, करेंट और इंटरव्यू तीनों चीजों से लिंक करते हुए चले, सो दैट यू कैन हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ एवरी टॉपिक. तो ये हो गई हमारी न्यूज एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम से रिलेटेड. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि हमारा एडिटोरियल पेज है. एंड यहाँ पे जो हमारा पहला एडिटोरियल था आज का, डेट वॉज रिलेटेड टू डिफेक्शन ऑफ 4 TDP राज्यसभा MPs टू द BJP. ठीक है, एंड इसके कारण से है क्या कि यहाँ पे जो एक न्यूज़ हमारे लिए बन जाएगी वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड. जो 4 राज्यसभा MPs थे तेलुगु देशम पार्टी के, दे हैव ज्वाइन द बीजेपी. एंड एडिटोरियल सेज डैट कि इन्होंने क्यों ज्वाइन किया है, टू अवॉइड द इन्वेस्टिगेशन डैट वर गोइंग अगेंस्ट दैम बाई CBI एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. तो इसको लेकर के उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी को. एडिटोरियल का कहना है कि बीजेपी शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दीज मेंबर्स, बिकॉज हो सकता है कि आप लीगली कुछ गलत ना कर रहे हो लेकिन एथिकली, क्योंकि अभी तक बीजेपी इन सभी लोगों को करप्ट बोलती थी एंड बीजेपी इज हैविंग अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा एंड स्लोली इट विल गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन राज्यसभा. सो देर वॉज नो अर्जेंसी टू इंक्लूड दीज करप्ट मेंबर्स इन बीजेपी इज फोल्ड. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटी डिफेक्शन बिल, क्योंकि एंटी डिफेक्शन बिल में एक प्रोविजन है कि अगर 2/3 से ज़्यादा मेंबर किसी पार्टी के ज्वाइन करते हैं दूसरी पार्टी को, देन एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट अप्लाई. ठीक है, तो इसको लेकर के है कि ये एक प्रोविजन है जो कि एडिटोरियल ने क्रिटिसाइज किया कि दिस शुड बी चेंज्ड. अदर क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटी डिफेक्शन बिल इज दैट इट हैज कन्वर्टेड MPs इनटू यस मैन. ठीक है, पहले क्या होता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन पुट देयर ओन व्यूज, वो अपनी बात सामने रख सकते थे, लेकिन अगर अब पार्टी ने कोई स्टैंड ले लिया है सो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी. तो MPs हैव बीन कन्वर्टेड इनटू यस मैन ऑफ द पार्टी. सेकेंड इज कि अभी बताया था कि अब आप एंटी डिफेक्शन में 2/3 ऑफ द मेंबर्स कैन ज्वाइन अदर पार्टी. ठीक है, सो मास डिफेक्शन हैज बीन अलाउड. तो इसको कैसे कर्ब किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई रूल बनाने की जरूरत है. थर्ड इशू डेट इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन बिल इज द रोल ऑफ स्पीकर. स्पीकर का रोल बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी को आप ज्वाइन करते हो तो स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है. तो इसको लेकर के जो NCRWC बना था, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ऐसी पावर इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए कि दे शुड हैव द पावर टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, या स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा से हटा करके ये पावर इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा इशू हो गया पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने लीड आर्टिकल पे. एंड दिस लीड आर्टिकल वॉज ऑन द नीड फॉर एनफोर्सिंग सर्टेन बेसिक राइट्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, द ऑथर सेज दैट देयर इज नीड फॉर एनफोर्सिंग सर्टेन बेसिक राइट्स. एंड इस आर्टिकल को किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, इट हैज बीन रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन मुजफ्फरपुर. ठीक है, इन बेसिक राइट्स का क्या स्पेशल फीचर होना चाहिए, स्पेशल फीचर इज दैट दीज राइट्स शुड बी द पॉजिटिव राइट्स एंड दे शुड हैव द प्रोविजन फॉर पनिशमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे फॉर वायलेशन ऑफ दीज बेसिक राइट्स. ठीक है, पॉजिटिव राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, पॉजिटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपको कुछ प्रदान करते हैं, दे गिव यू समथिंग, दे एम्पावर यू बाय गिविंग सर्टेन थिंग्स. नेगेटिव राइट्स कौन से राइट्स हो सकते हैं, कि दोज राइट्स विच मतलब बार्स ऑन डूइंग सर्टेन थिंग, जैसे एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है. ठीक है, तो यू शुड नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, तो ये एक तरह का नेगेटिव राइट हो गया. लेकिन पॉजिटिव राइट इज राइट टू एजुकेशन, कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो उसको पॉजिटिव राइट बोला जाता है. तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि दीज बेसिक राइट्स शुड बी पॉजिटिव राइट्स, एंड सेकेंड थिंग इज कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो भी सरकार हो, अगर इफ इट वायलेट्स द दोज बेसिक राइट्स देन इट शुड बी पनिश्ड जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स आर पनिश्ड. ठीक है, तो इसको लेकर के है. एंड ये कौन कौन से बेसिक राइट्स होंगे, सो फर्स्ट बेसिक राइट विल बी राइट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, कि लोगों के पास फिजिकल सिक्योरिटी का राइट होना चाहिए. सेकेंड बेसिक राइट विल बी राइट टू मिनिमम इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हर किसी के पास जो है वो एक मिनिमम इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, उसको उसका राइट होना चाहिए. थर्ड राइट इज राइट टू प्राइमरी हेल्थ केयर. एंड द फोर्थ बेसिक राइट दैट ऑथर हैज हाईलाइटेड इज राइट टू फ्री पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ हेल्पलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, तो लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मजबूरी सबके सामने रख सकें ओपनली, एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट हेल्पलेसनेस. ठीक है, सो ऑथर सेज दैट दीज बेसिक राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग अ डिसेंट लाइफ. तो ये इस पूरे के पूरे आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है. अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे आर्टिकल में. एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू वॉर बिटवीन ईरान एंड US. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देर इज एन ऑन गोइंग टसल बिटवीन ईरान एंड US.
फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या कि यूएस हैज पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान, देन सेकेंडली ईरान रिटेलिएटेड बाय अटैकिंग सर्टेन टैंकर्स एंड ड्रोन्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अब इसके बाद दोनों के दोनों देश जो है वो एकदम दे आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, लेकिन ऑथर का कहना है कि दे बोथ वॉन्ट डैट कि दुनिया देखे कि हम लोग जो हैं वो शांति पसंद हैं, ठीक है, कि वी आर नॉट पुशिंग फॉर वॉर और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, ठीक है। सो यहाँ पे एक इस इशू को हाईलाइट किया गया। दूसरा इशू हाईलाइट किया गया कि अगर ईरान और यूएस का वॉर हो जाता है देन द एंटायर वेस्ट एशियन रीजन विल फेस द इनस्टेबिलिटी, तो पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में एक इनस्टेबिलिटी फैल जाएगी। वाई? बिकॉज यूएस विल अटैक ईरान एंड ईरान विल नॉट बी एबल टू अटैक यूएस डायरेक्टली बट इट विल अटैक यूनाइटेड स्टेट्स एलाइज इन द रीजन, ठीक है। तो जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन सारे देशों में ईरान विल आइदर डायरेक्टली अटैक और विल अटैक थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। तो ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं बहुत सारे देश में, यमन में है, लेबनन में है, इसराइल में है, इराक में है। सो ईरान कैन अटैक इन ऑल दीज कंट्रीज, ठीक है। तो इसके कारण से वेस्ट एशिया में पूरी की पूरी इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब वेस्ट एशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एज एन इंडियन, क्योंकि वहां पे हमारे 7 मिलियन वर्कर्स वर्क इन द वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट एशिया इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑयल एंड एनर्जी टू इंडिया, तो अगर उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ता है, अगर वहां पे इनस्टेबिलिटी आती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन विल बी इंपैक्टेड एंड इफ प्रोडक्शन इज इंपैक्टेड देन प्राइसेस विल बी इंपैक्टेड एंड इन्फ्लेशन विल गो अप इन इंडिया एज वेल एज द इंडियन डायस्पोरा विल बी इंपैक्टेड। जो वहां पे 7 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिलेगा तो वो सब इंडिया वापस आ जाएंगे। तो उसके कारण से जो इनस्टेबिलिटी है दैट इज द रीजन वाई वी आर फोकसिंग सो मच ऑन वेस्ट एशिया। तो ऑथर का कहना है यहाँ पे एसेंशियली कि यूएस एंड ईरान दोनों के दोनों जो है वो अब अपीयरेंसेस ऐसे दे रहे हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वॉर बट द बोथ ऑफ देम आर पुलिंग ईच अदर टूवर्ड्स द वॉर एंड दे शुड अवॉइड इट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा आर्टिकल एडिटोरियल देख लेते हैं हमारा, जो कि ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट चुना जाना है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाना है, उसको लेकर के था। अब नाउ एट प्रेजेंट ब्रिटेन इज फेसिंग नॉट मिड टर्म इलेक्शंस, रेदर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे हैज रिजाइंड एंड नाउ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड। एंड जो रेस है अब दो लोगों के बीच में है, द करेंट फॉरेन सेक्रेटरी जेरेमी हंट एंड एक्स फॉरेन सेक्रेटरी बोरिस जॉनसन, ठीक है। एंड जेरेमी हंट इज अ मॉडरेट लीडर, जो कि मतलब डील और ब्रेग्जिट वगैरह के ऊपर मतलब इनका मॉडरेट स्टैंड है। एंड बोरिस जॉनसन हैज टेकन अ हार्डलाइन स्टैंड ऑन ब्रेग्जिट कि बाय October 31 ब्रिटेन विल लीव द यूरोपियन यूनियन वेदर देयर इज डील और नो डील। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी कैन स्किप इट। एंड हियर इन द ऑपेड पेज अवर फर्स्ट आर्टिकल वॉज ऑन द इंडियन एयरफोर्स, एंड अभी जो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट डेट वेंट मिसिंग, उसको लेकर के पूरा आर्टिकल लिखा गया है कि इतनी ज़्यादा हमारी जो कैजुअलिटीज़ हैं या फिर मतलब एयर एक्सीडेंट्स हैं वो क्यों होते हैं। एंड उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स फ्लाइज 38 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हैज़ द मोस्ट वेरीड फ्लीट एमंग मॉडर्न एयरफोर्सेस, ठीक है। तो उसका एक कारण ये है। एंड इसके अलावा मेजर रीजन फॉर अराउंड 50% ऑफ दीज एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन एरर व्हाइल अनदर 50% आर कॉज्ड ड्यू टू टेक्निकल एनवायरमेंटल एंड मिसलिनियस फैक्टर्स, ठीक है। तो ये है। एंड इसको अपन कम कैसे कर सकते हैं, इन सारे एक्सीडेंट्स को कम कैसे किया जा सकता है, सो वी नीड टू हैव अ स्पीडी रिप्लेसमेंट फॉर MiG-21s एंड MiG-27 जागुआर्स एवरोस किरण ट्रेनर्स एंड चीता चेतक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो इनका जो हमारे जो ओल्ड फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स के पास, बहुत सारा एयरक्राफ्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि फास्ट ट्रैक द मॉडिफिकेशंस एंड अपग्रेड्स डेट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस इन रिमोट एंड होस्टाइल ट्रेन। जो तीसरा स्टेप लिया जा सकता है डेट इज अपग्रेडिंग ऑफ सिमुलेटर्स एज फोर्स एनेबलर्स एंड नॉट मियरली एज ट्रेनिंग एड्स, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रेनिंग के जो एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शुड बी इंक्रीज, ठीक है। एंड देयर फाइनली द इंडियन एयरफोर्स लीडरशिप मस्ट ले डाउन क्लियर रेड लाइन्स फॉर कंटिन्यूड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो उसके लिए मतलब एक गाइडलाइंस एनफोर्स करने की जरूरत है कि इन पैरामीटर्स पे कंसिडर किया जाएगा और इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करने के बाद ही किसी फ्लाइट को उड़ने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड न्यूज थी। एंड सेकेंड आर्टिकल हियर इज रिलेटेड टू अ प्रपोजल मेड इन द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन
कि जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं दे शुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड दे शुड बी मेड पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो उसको दे शुड बी कंसिडर्ड अंडर द स्कूल। अभी क्या होता है कि जो 3 साल से 6 साल के बच्चों के एजुकेशन या उनको एंगेज किया जाता है वो आंगनवाड़ी में किया जाता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है दे हैव सेड दैट दे शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल फ्रेमवर्क ओनली। तो जो यहाँ पे ऑथर हैं शी हैज वेलकम्ड दैट डिसीजन कि ये एक राइट डिसीजन होगा। एंड राइट क्यों होगा, बिकॉज जो मेजर लर्निंग होती है 85% ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट दैट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6। ठीक है, तो अगर आप उनको 3 साल से 6 साल तक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर एनवायरमेंट में आप उनको पढ़ाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा उनके फर्दर लर्निंग अचीवमेंट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑथर ने इसको हाईलाइट किया है। लेकिन यहाँ पे 2 इश्यूज हैं जो ऑथर ने बोला है कि इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि जो अभी हमारा 3 साल से 6 साल तक बच्चों को पढ़ाने का तरीका है डेट इज़ बेस्ड ऑन रोट लर्निंग और उनको नंबर्स पढ़ाए जाने लगते हैं, अल्फाबेट्स याद कराए जाने लगते हैं, तो अभी से रट्टा मारने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो एजुकेशन के आखिरी तक चलती है। सो ऑथर सेज डैट कि इंस्टेड ऑफ दिस रोट लर्निंग ये आप रटाओ उनको, उससे अच्छा है कि द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू लर्न विथ प्ले मटेरियल्स, पिक्चर बुक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स एटसेट्रा, इसके जरिए सिखाने की जरूरत है। एंड इससे फायदा क्या होता है कि चिल्ड्रन विल डेवलप क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज सो मच इंपॉर्टेंट इन दिस 21st century। ठीक है, तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। जो दूसरा इशू उन्होंने हाईलाइट किया है वो ये है कि जो हमारे करिकुलम्स हैं जैसे फर्स्ट क्लास का जो सिलेबस है वो सेकंड क्लास में जाकर के आप रिपीट नहीं करते, उसका कोई इंटरलिंक नहीं होता है, वो एक चीज़ यहाँ हो गई, एक चीज़ वहाँ हो गई, तीसरी चीज़ यहाँ हो जाएगी। सो सी हैज सेड दैट कि इसके बीच में इंटरलिंक होना चाहिए, बच्चों को उसी क्लास में थोड़ा जो पीछे क्लास में पढ़ा है उसके रिविजन का भी मौका मिलना चाहिए। सो दिस इशू हैज़ बीन हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक न्यूज़ है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से रिलेटेड डैट ही हैज़ बीन फील्डेड एज द बीजेपी कैंडिडेट फॉर द राज्यसभा बाय इलेक्शन फ्रॉम गुजरात। ठीक है, तो जो लोग वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है या बैंक में पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर किस स्टेट से आते हैं। सो रिमेंबर डैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कम्स फ्रॉम गुजरात। ठीक है, तो राज्यसभा सीट जो है उनकी वो किस स्टेट से है, वो गुजरात से है। Now come to the page number 13. Here a book is mentioned. So the New Delhi Conspiracy. This book has been written by Meenakshi Lekhi with Krishna Kumar. ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, वनडे टाइप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बुक्स पूछी जाती हैं कई बार। सो न्यू डेली कॉन्स्पिरेसी, दिस बुक हैज बीन रिटन बाई बीजेपी एम पी मीनाक्षी लेखी विथ कृष्ण कुमार। ठीक है, अब नाउ कम टू द वर्ल्ड पेज। एंड यहाँ पे जो न्यूज़ है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड न्यूज़ है। एंड यहाँ के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो प्रेसिडेंट हैं ही हैज सेड दैट ब्लैकलिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली अ पॉसिबिलिटी। अगर पाकिस्तान इफेक्टिव मेजर्स नहीं लेता है टेररिज्म को कर्ब करने के, देन इट कैन बी ब्लैकलिस्टेड अंडर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंडेट। ठीक है, अब अभी जो 2 कंट्रीज हैं विच हैज बीन ब्लैकलिस्टेड आर ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ब्लैकलिस्ट है उसमें कौन कौन सी 2 कंट्रीज हैं, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। एंड ब्लैकलिस्ट में होने के कारण नुकसान क्या होता है कि इकोनॉमी गेट्स सीवियरली क्रिपल्ड एंड कंट्री इज आइसोलेटेड फाइनेंशियली एंड उसके बाद उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है ऑफ दैट कंट्री इज ऑल्सो डाउनग्रेडेड एंड लोन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट बींग गिवेन। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिमांड ये भी की है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिस भी कंट्री को लोन देता है उसकी इकोनॉमी को सेव करने के लिए दे शुड हैव अ कंडीशन विथ रिगार्ड टू फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, एंड पाकिस्तानी की इकोनॉमी वैसे भी क्रिपल कर चुकी है, वो सऊदी अरेबिया से लोन ले रहा है, चाइना से लोन ले रहा है, कहीं कुवैत से लोन ले रहा है। ठीक है, तो अगर उसको IMF के पास जाना पड़ेगा देन IMF कैन पुट दिस कंडीशन कि आप अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से सारी कंडीशंस मेट करोगे तभी आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड न्यूज़। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, कब बना था, 1989 में बना था। किस बॉडी ने इनिशिएट किया था, G7 कंट्रीज ने इनिशिएट किया था। एंड इसका मेजर पर्पस क्या था, जब ये 1989 में बना था देन इट वॉज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग।
In 2001, its mandate was expanded to include terrorism financing. 1989 में आप समझ सकते हैं कि terrorism उतना बड़ा global issue नहीं था, but in 2001, after 9/11 attack, terrorism became a huge talking point, and in 2001, thus terrorism financing was included in the mandate of Financial Action Task Force. Headquarter कहाँ है Financial Action Task Force का? Paris में है, and it has put Pakistan in its grey list. ठीक है? At present, it has 37 member countries. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहां पे जो दूसरी न्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू मोदी जी एंड व्लादिमीर पुतिन ट्राइलेटरल समिट एट G20. ठीक है, सो फॉर द सेकेंड टाइम विद इन अ मंथ द हेड ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट कंट्रीज रशिया इंडिया एंड चाइना विल मीट. ठीक है, तो यहां पे जो एक रशिया इंडिया एंड चाइना का एक्सिस बन रहा है वो हमारे लिए फॉरेन रिलेशंस में GS2 में पूछा जा सकता है कि इसका क्या पोटेंशियल है एंड व्हाट विल बी द चैलेंजेस. ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें तो उसको दोनों तरह से पढ़ें, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके पोटेंशियल्स क्या क्या हैं, उससे क्या क्या अचीव हो सकता है. सो रशिया इंडिया एंड चाइना क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका कारण है बिकॉज ऑफ सेवरल US एक्शंस. ठीक है, तो सो जो US इज नाउ प्रमोटिंग यूनिलैटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म एंड सर्टेन टैरिफ्स, तो इसको लेकर के जो तीनों के तीनों देश हैं नाउ दे आर कमिंग टुगेदर कि हाउ वी कैन हैंडल इट. ठीक है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो इसको लेकर के एक जो समिट होगी G20 के साइडलाइंस में तीनों के तीनों लीडर्स मिलेंगे, उसको लेकर के हमको ध्यान रखना चाहिए. एंड रिमेंबर दिस रशिया इंडिया एंड चाइना एक्सिस, व्हाट आर इट्स पोटेंशियल एंड व्हाट आर इट्स मेजर मेजर हिंड्रेंसेस. ठीक है, कि क्या किसके कारण से ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और किसके कारण से नहीं हो सकते. ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है G20, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नर्स फ्रॉम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. तो सबसे पहला पॉइंट ये कि G20 में दोनों तरह की कंट्रीज हैं, डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग. कब बना था, इट वॉज फाउंडेड इन 1999 एंड इट एम्स टू डिस्कस पॉलिसी पर्टेनिंग टू प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने की जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं. ठीक है, एंड G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट ऑल इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स, 85% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इस एक फैक्ट को याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स मेंस में जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा होता है, तो ऐसे पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली फैक्ट भी कोट करके अपना आंसर शुरू कर सकते हैं. G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं इसको याद रखना बहुत आसान है, आप कॉन्टिनेंट याद करिए और जो सबसे बड़ी कंट्रीज आपको ध्यान आती हो आप उनका नाम लिख दीजिए, आपके G20 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे. सो फर्स्ट साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो अर्जेंटीना एंड ब्राजील, ये दो कंट्रीज याद आती हैं उनको लिख दीजिए. नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो USA, कनाडा एंड मैक्सिको. नॉर्मल जिसने बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ी है उसे भी ये तीन कंट्रीज तो याद आ ही जाएंगी नॉर्थ अमेरिका के नाम से, USA, कनाडा एंड मैक्सिको. अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से वो सारी कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली एंड यूरोपियन यूनियन, उसको ऐड कर दीजिएगा. सो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, ये मेजर कंट्रीज थी जिनके कारण वर्ल्ड वॉर हुआ या जिन्होंने मेजरली पार्टिसिपेट किया. एशिया से अगर बात करें तो जो तीन बड़ी कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, जापान, तीन मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, दैट इज टर्की, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया, एंड फाइनली साउथ कोरिया का नाम ऐड कर दीजिए. ठीक है, तो आपके G20 मेंबर्स आपको याद हो जाएंगे. Now come on the business page and here is a news related to Huawei. तो ये Chinese company है and they are looking for investment in the or infrastructural building in the 5G technology. ठीक है, तो जो अभी trials होने वाले हैं 5G technology से related उसको लेकर के ये company invest करना चाहती है India में. And Huawei का हम लोग ध्यान रखेंगे कि it is a major cause of flashpoint between US and China and US is persuading its allies and other countries to not allow Huawei to invest in its in their countries. ठीक है, इसको लेकर के है. यहाँ पे Huawei ने बोला है कि we have been in India for very long time and अगर कोई security का issue होता so we would have been caught much earlier. So now government should allow us to have participate in the 5G technology rollout and they has also requested the government that this government should ask all the original equipment manufacturers to sign a no backdoor agreement. ठीक है, अभी backdoor क्या होता है,
backdoor, under this backdoor, backdoor refers to getting access to a computer system or data by bypassing the system's inbuilt security mechanism. ठीक है, तो जो आपके privacy या मतलब आपका जो भी data secure है उसको bypass करके अगर कोई information access की जाती है, आपके security mechanism को bypass करते हुए अगर कोई information access की जाती है तो उसको बोला जाता है backdoor entry. So government should have a no backdoor agreement with all the original equipment manufacturers. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक जो 5G technology discuss हुई है उसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है, what is 5G. So it is the next generation cellular technology that will provide faster and more reliable communication with ultra low latency. ठीक है, latency का मतलब क्या होता है कि जो response time होता है वो कितना है, तो इसमें latency period बहुत ज़्यादा कम है. And a government panel report points out that with 5G the peak network data speeds are expected to be in the range of 2 to 20 gigabytes per second. This is in contrast to 4G link speed. जो 4G की speed है कितनी है, वो 6 to 7 megabits per second है. 5G की speed कितनी होगी, 2 to 20 gigabits per second. ठीक है, and in April South Korea and US became the first countries to commercially launch 5G services, and South Korea has claimed that it is the first to do so, beating the US by a couple of hours. ठीक है, तो ये हो गया. And with 5G technology, consumers will be able to download data-heavy content such as 8K movies and games with better graphics in just few seconds. And this 5G technology will also form the backbone of emerging technologies such as the Internet of Things and machine-to-machine communications, thereby supporting a much large range of applications and services. ठीक है, तो इसको लेकर के ये बहुत useful technology है. And this technology can also help in improving the transport infrastructure by making it more efficient and smart. And so 5G is expected to create a cumulative economic impact in India by 2035 of $5 trillion. ठीक है, तो उसका लेकर के ये 5G technology इतना ज़्यादा news में है. अब आ जाते हैं हम लोग अपने second page पे. यहाँ पे business से related एक news है कि the Reserve Bank of India has launched a complaint management system. ये क्या है, it is an online portal to facilitate bank customer grievance redressal प्रोसेस. ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, जो लोग भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखेंगे कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल किस बैंक का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. किसके लिए है, इट इज टू फैसिलिटेट बैंक कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेसेस. ठीक है, एंड जितनी भी बॉडीज जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, अगेंस्ट ऑल दीज बॉडीज यू कैन फाइल द कंप्लेंट इफ यू हैव एनी ग्रीवेंसेस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड न्यूज. अब स्पोर्ट्स पेज पे आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि 25th of June 1984 में इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था. ठीक है, सो दैट इज बीइंग रिमेम्बर्ड हियर. अब आ जाइए सीधे लास्ट पेज पे, एंड यहाँ पे एक जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू क्यूरियोसिटी सैंपल एनालिसिस ऑफ नासा. तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो क्यूरियोसिटी सैंपल एनालिसिस नासा का है वो दैट हैज बीन सेंट टू मार्स, एंड देयर इट हैज डिटेक्टेड द हाईएस्ट एवर लेवल्स ऑफ मीथेन. ठीक है, तो वहां पे मीथेन बहुत ज्यादा पाई गई है, एंड मीथेन का पाया जाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस कुड पॉइंट टुवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोबियल लाइफ. एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि मीथेन कुड ऑल्सो भी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन रॉक्स एंड वाटर. ठीक है, तो अगर मीथेन पाई जा रही है मार्स में तो उसका दो तरह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक तो हो सकता है कि मार्स में वाटर हो, एंड दूसरा है कि मार्स में माइक्रोबियल लाइफ भी पाई जाती हो. ठीक है, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ थी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं. सो क्वेश्चंस के आंसर देखने से पहले क्वेश्चंस देख लें. तो क्वेश्चन थे आज के, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. सो आंसर इज लॉर्ड रिपन. एंड गांधी सागर डैम इज पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चंबल प्रोजेक्ट. एंड हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जवाहरलाल नेहरू. सो दिस वॉज फॉर फ्रॉम अवर साइड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.